मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा। नमस्कार मित्रों, मैं चोपसी सक्सेना। इस समय आप मेरे साथ नगला कारे ग्राम पंचायत मंडकेड़ा ब्लॉक अकोला के एवं तहसील सदर के गांव नगला कारे में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार नहर की पटरी टूट जाने से के कारण खेत जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए किस प्रकार आलू और सरसों की खेत पानी में जलमग्न हो गए हैं, जिसमें किसानों का काफ़ी नुकसान है। न्यू दक्षिण बाईपास स्थित ब्लॉक अकोला के नगला कारे में रात्रि में अचानक गोपो रजवाहा की पटरी कटने से किसानों के घरों और खेतों में पानी भर गया। नहर के पानी से आलू और सरसों की फसल जलमग्न हो गई, जिसमें किसानों लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों का नुकसान हुआ। किसानों ने बताया कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान सभी किसान को हो गया है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि नहर की सफाई में लापरवाही बरती जाती है। और रात में फूटी है 11-12 बजे, पता नहीं कैसे नहर फूटी है। आपका कितना नुकसान हो गया? हमारा पूरा 100% नुकसान हो गया। नहीं, आपके खेत में क्या था? हमारे खेत में आलू जो कि जलमग्न हो गए। हाँ, जल से बिल्कुल डूबे हुए हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मुआवजा चाहते हैं। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की है? कोई अधिकारी आया है? जय साहब ठेकेदार अजय आए। अच्छा, कोई प्रशासन अधिकारी? बड़ा अधिकारी नहीं? बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं आया। ना ही आपको अभी तक कोई आश्वासन मिला? ना आश्वासन मिला। तो आपके अलावा और कितने किसानों का नुकसान हुआ यहाँ पर? यहाँ पर 25-30 किसानों का नुकसान हुआ है। करीब कितने सबका? 10 के आसपास हुआ। कितना नुकसान हुआ? 20-25 लाख रुपये का हुआ नुकसान। कोई जनप्रतिनिधि या राजनेता कोई आया? कोई भी नेता नहीं आया, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, या वैसे कोई भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार नहर के द्वारा चलने वाला पानी खेतों में जलमग्न हो गए हैं। आलू और सरसों की फसल आप देख सकते हो किस प्रकार पानी से, पानी में फसल है या फसल में पानी दिख ही नहीं रहा। आप देखो किस प्रकार आलू की फसल जलमग्न हो चुकी है और इन किसानों का इतना नुकसान हुआ है। इन्हें सरकार से मुआवजे की आस है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनको मुआवजा मिलता है या सिर्फ आश्वासन।
कह रहे मट्टी काला गई हम पानी में। सियाराम सिंह साहब कलाकार, मैं किसान आदमी था, अचानक मेरी की बड़ी टूट गई थी और सब फसल बर्बाद हो गई, मेरे मकान में पानी घुस गया था, मकान की दीवार पर लगी नहीं सब। कितना नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हुआ, वैसा कम से करीब करीब एक आधे 4-5 लाख रुपये। अब अच्छा, आपका मकान तो फट भी गया है सब? फट गया था मकान, पूरा मकान फट गया था। जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो इस प्रकार हैं: बंगाली राम, रणधीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, रामविलास, हरेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, जसमत सिंह, गंभीर सिंह, रंजीत सिंह, अशोक, राजन सिंह, नेकराम से हैं, बच्चू से हैं, जल सिंह, नेत्रपाल सिंह, कप्तान सिंह, मेघ श्याम, राजवीर सिंह, उदयवीर सिंह, जयवीर सिंह, कोमल सिंह और करतार सिंह। इसके अलावा पप्पू सिंह, भानुप्रताप सिंह, समर्थन सिंह, सत्यवान सिंह, नीरज सहित सभी लोगों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अब सब लोगों को सरकार से बस मुआवजे की आस है। देखने वाली बात यह होगी कि उनको कितने जल्द मुआवजा मिलता है। जिन किसानों का नुकसान किसानों ने बताया है कि अब फसल खराब होने के बाद गेहूं की फसल भी नहीं होगी, इसलिए किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों का हालचाल जानने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी खबर लिखे जाने तक मौके पर नहीं पहुंचाता। तो वहीं नहर विभाग की ओर से पहुंचे जेई शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि सूचना मिली थी कि मौके के नहर की पटरी टूट गई है। मौके पर देखा कि नहर की पटरी टूटी हुई है, ठेकेदार और मजदूरों की सहायता से तुरंत नहर की पटरी को बंद कराया गया है, आगे उचित कार्रवाई की जा रही है।